नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम साइंस के विषय में कुछ ऐसी बात करेंगे जिसको सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 के आसपास मैं जब एक लेक्चर अटेंड कर रहा था तो वहाँ पर एक प्रोफेसर पी सौंद हुआ करते थे। वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की क्लास में उन्होंने बताया था कि उस दिन भी अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है कि अमेरिका सारी दुनिया में सभी लोगों के हाथ में वीडियो फोन दे सकता है, जिससे कि सब एक दूसरे से को देख के उस पर बात कर सकते हैं। ये 1980 तब की बात है जबकि भारत में लैंडलाइन होते थे, और सिर्फ लैंडलाइन ही होते थे, और कनेक्शन मिलता था, मुश्किल से मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। तो उस समय भी उन्होंने बताया था कि आज अमेरिका के पास उस दिन भी ये कैपेबिलिटी है कि अमेरिका चाहे तो सबके हाथ में वीडियो फ़ोन दे सकता है, और सब जो है एक दूसरे से वीडियो फ़ोन के द्वारा देख के बात कर सकते हैं। तो यानी आप सोचिए कि किस लेवल का वहाँ पे जो अमेरिका में रिसर्च चल रहा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमें मालूम नहीं है, पर वो अभी दुनिया में चल रही हैं। अभी के बारे में बात करें तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि हमें इसके बारे में ज़रा भी नहीं मालूम है, पर वो संभव है। इसी तरह की एक बात पर हम जो आज रोशनी डालेंगे, और वह है इंसान का गायब हो जाना, एक जगह गायब होके दूसरी जगह प्रकट हो जाना, हजारों किलोमीटर दूर प्रकट हो जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि साइंस में जो मैटर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, जितने भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, उनको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लीजिए मानव शरीर जो है असंख्य मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तरह तरह के मॉलिक्यूल से बने हैं, तरह तरह के एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर हम ऐसा कर सकें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, और उस एनर्जी को, एक आदमी का जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया है, उसको हम ट्रांसमिट करें दूसरी जगह, वो लाइट की स्पीड से दूसरी जगह पे जाएगी और हमारे प्री प्लान लोकेशन में हम वहाँ पर उस एनर्जी को इकट्ठा करके दोबारा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दें, मैटर में कन्वर्ट कर दें। तो सब के सब मॉलिक्यूल जुड़ के दोबारा वो आदमी दिखाई दे जाएगा। यानी मैटर को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी जो है वेव्स में कन्वर्ट हो गई, और वेव्स जो है वो चली हजारों किलोमीटर दूर, वो वेव्स ट्रेवल करती हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल की, और उसके बाद दूसरे जगह में हमने वहाँ पर उस एनर्जी को दोबारा मैटर में कन्वर्ट कर दिया। सोचिए कि एक आदमी दिल्ली में खड़ा है आपके पास और एकदम से गायब हो जाता है, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके वेव्स में उसको वेव्स उसके हम न्यूयॉर्क में एक कोई जगह लोकेशन हम अपना प्री प्लान लोकेशन रखें, और वहाँ पे उस वो एनर्जी पहुँचे और उस एनर्जी को दोबारा से हम मैटर में कन्वर्ट कर दें, यानी मॉलिक्यूल्स में दोबारा कन्वर्ट कर दें, और उस आदमी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं दोबारा वैसे के वैसे सब अपनी जगह में सेट हो जाएं और वो आदमी सामने नज़र आ जाए। तो क्या ये संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो आदमी गायब हुआ वो कुछ माइक्रो सेकंड में ही दोबारा हम न्यूयॉर्क में उसको दिखा सकते हैं। अब हम हालांकि सुनते थे आए हैं कि ऐसा होता है कि भाई एक आदमी यहाँ गायब हो गया, वहाँ दिखाई दिया, पर वो तो बातें हैं, वो पता नहीं उस पर विश्वास किया जा सकता है कि नहीं, पर ये जो है टेक्निक, इससे ये पॉसिबल है। मेरे हिसाब से इस पर रिसर्च चल रहा है, पर कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल ही एडवांस स्टेज में रिसर्च है, और हमने इस पर कई फिल्म भी देखी, जैसे स्टार ट्रेक फिल्म आता था एक टीवी में, उसमें दिखाते थे कि आदमी वहाँ पे खड़ा है, वहाँ से गायब हो गया और दूसरी जगह जाके वो प्रकट हो गया। तो आने वाले सालों में हम ये देखेंगे कि ऐसा हो सकता है। अब ये टेक्निक जो है अगर विकसित हो जाता है तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं, पॉजिटिव परिणाम भी हैं, नेगेटिव भी। हालांकि हमने ये देखा कि साइंस में जितनी भी नए इन्वेंशन हुए हैं उसमें नेगेटिव जो है बातें ज़्यादा जोर पकड़ती हैं और पॉजिटिव चीज़ कम दिखाई देती हैं, यानी उसका नेगेटिव जो
यूज़ है वो ज़्यादा होता है और पॉजिटिव यूज़ कम। अब पॉजिटिव यूज़ में देखिए, जैसे एक आदमी यहाँ खड़ा है और न्यूयॉर्क में पकड़ हो गया, तो उसका आने जाने का जो है वो किराया बच गया, प्लेन में नहीं गया तो फ्यूल खर्च नहीं हुआ, जला नहीं, पोल्यूशन कम हुआ। और अगर लाखों लोग यहाँ से वहाँ ऐसे करेंगे तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, आने जाना सरल हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक का फ़ायदा हो सकता है जो पॉजिटिव है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत तरह के यूज़ हो सकते हैं। साथ ही इसका एक नेगेटिव असर भी होगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि किसी भी समय आप खड़े हैं और आपका कोई दुश्मन आपके पीछे प्रकट हो जाएगा और आपको मार के चला जाएगा, ये भी एक उसका एप्लीकेशन हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसी टेक्निक अगर आती है तो पहले से हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कानून बन जाए जिससे इसका दुरुपयोग ना हो, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी पैसे निकालने का तरीका था, पहले चेक से पैसे निकालते थे, अभी ATM से जाके आप पैसे निकालते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट बहुत अच्छा है, आपने यहाँ से दबाया वहाँ उसको मिल गया, पर उसमें खतरे दिखिए, हैकिंग कितनी ज़्यादा होती है, तो उसके दुष्परिणाम जो हैं वो हैं नेगेटिव यूज़ उसका ज़्यादा हो जाता है। तो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो पहले से ऐसे कानून बन जाएँ जो कि इसके नेगेटिव जो काम है उसको रोकने में सक्षम रहे और सिर्फ पॉजिटिव यूज़ ही करें। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ सालों में, आप अभी नहीं सुन रहे हैं पर कुछ सालों में शायद सुनेंगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ऐसा बड़ा बड़ा रिसर्च कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन हैं जब आपको सुनाई देगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो गया। तो अब हम इंतजार करें कि कब ऐसी टेक्निक आएगी। तो आज के लिए इतना, हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।